आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बारे में लिखा हुआ होता है कि आप एक्सप्रेशन ड्राइव करें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह, ये सब कुछ। तो आपने सॉल्व कैसे करना है ये क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन आप हेडिंग देंगे, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ इट्स वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स। थोड़ा सा मैं आपको साथ में खुलासा सा बता देती हूँ, ऊपर वीडियो का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आपको डिटेल से ये टॉपिक मिलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था, एक ऐसा मोशन जो टू डायमेंशन में होता है और इसके दो, एक इसका एक्स कॉम्पोनेंट होता है और दूसरा इसका वाई कॉम्पोनेंट होता है। ऐसा मोशन जो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट दोनों में साइमल्टेनियसली प्रोसीड करे उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत क्या है कि इसके जो दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें एक कॉम्पोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। ये भी मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ। इसके एग्जांपल्स क्या हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, आपने एग्जांपल लिखे हैं, मोशन ऑफ अ जंपिंग एनिमल, ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो, फुटबॉल किक्ड फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मिसाइल शॉट फ्रॉम अ लॉन्चर, ये सब जो हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हुए हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं, वो एजम्पशंस थ्री एजम्पशंस हैं और वो कौन सी हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द रेंज ऑफ अ मोशन एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही होगी प्रोजेक्टाइल पे, वो हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे ग्रेविटी कॉन्स्टेंट होगी और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। दूसरी एजम्पशन ये है कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, और तीसरी ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी टू द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ एक्सप्रेशंस जो ड्राइव करनी है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उसके लिए पहले आप ये डायग्राम समझो प्रोजेक्टाइल मोशन का और फिर इसके लिए हम एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल जो हम लोग थ्रो कर रहे हैं वो एक एंगल बनाता हुआ, एंगल थीटा बनाता हुआ यहाँ पर अपनी रेंज कवर करेगा। ये जो मैक्सिमम एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट इसकी, इसको हम कहते हैं इसकी रेंज, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा वो इसकी रेंज होगी। जितनी हाइट ये कवर करेगा इसका जो हाइएस्ट पॉइंट होगा वो होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, और ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है बिल्कुल बीच में, यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। टाइम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर टी एन टी, आधा टाइम वो होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर आधा टाइम वो होगा जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। लिखोगे आप क्या इसके लिए, सपोज अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो रिटर्न की सारी चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के साथ हम लोग इसको वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा वी नॉट एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कौन सा थीटा बनता है, कॉस थीटा, और दूसरा इसका कंपोनेंट बनेगा वी नॉट वाई, जिसको हम लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा, और वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनता है दैट इज ऑफ साइन थीटा। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, इस पर्पस के लिए आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको बताया, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हाफ टाइम वो होगा जिसमें ये ऊपर जाएगा और फिर हाफ टाइम वो होगा जिसमें ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर टोटल टाइम जो है उसको हम लोग जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सिर्फ ये आधा वाला टाइम लेते हैं दैट इज टी। इनिशियल वेलोसिटी, अब चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ ये वेलोसिटी जो वाई एक्सिस पे हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, वी नॉट वाई, और वी नॉट वाई किसके इक्वल होगी, वी नॉट साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी वाई, जब ये बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाएगा और तब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होते होते आखिरकार ये जीरो पे पहुंच जाएगी, और जब ये वेलोसिटी जीरो पे पहुंचेगी वी वाई जब जीरो होगा इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया। यहाँ से अब जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है जीरो पे पहुंचती है और फिर उसके बाद इंक्रीज होती है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट होता है वी वाई पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी है जीरो। एक्सेलरेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए वाई, और एक्सेलरेशन चूंकि ग्रेविटी की वजह से है इसलिए इसको हम ले रहे हैं माइनस जी। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको समझ में अगर ना आए इसमें तो आप वो वीडियो ज़रूर विजिट करें जिससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की बनाई है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको यूज़ करते हुए हम वी वाई इज इक्वल टू
वी नॉट वाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है माइनस जी, और टी यहाँ पर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल टी. वी वाई इज ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई किसके इक्वल थी, वी नॉट साइन थीटा के, और प्लस माइनस माइनस जी इंटू टी. यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालनी है टी की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट जो है. सो हम कह सकते हैं कि जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. ये वो वैल्यू है टाइम की जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है इस टाइम में प्रोजेक्टाइल अपनी हाइएस्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा. टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. नाउ फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक इसने फ्लाइट किया, तो वो किसके इक्वल होगा, टी प्लस टी. दो हमने कहा था ना, आधा ऊपर जाने का टाइम और आधा नीचे आने का, एक टी तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा टी, दोनों टीज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. तो टी डैश और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इक्वल हो जाएगा टू टू टी के. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टी हमने फाइंड किया दैट वॉज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. सो ये जो है इक्वेशन, ये हमें बता रही है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर आपको एंगल पता होगा और इनिशियल वेलोसिटी पता होगी तो आप आराम से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला. ये टॉपिक्स आप समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल्स करना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. नाउ मैक्सिमम हाइट अटेंड, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन जहन में रखो. ये वाली जो हाइट, इसने जो मैक्सिमम हाइट ली एच, ये किसके इक्वल है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये वो टोटल डिस्टेंस है जिसने ज़मीन से ऊपर की तरफ कवर किया. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट h. टाइम जो इसने लिया हाफ हम कंसिडर करेंगे क्योंकि सिर्फ ऊपर जाने का टाइम इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं. और टाइम किसके इक्वल है, हमने पीछे ड्राइव किया, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट वाई, या किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा के, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन है ए वाई, और ये है ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इक्वल है टू माइनस जी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वैल्यू इसमें डालेंगे, एस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एच. सो एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर. टी की वैल्यू हमें पता है, सो हम यहाँ इक्वेशन में टी की वैल्यू डाल देते हैं, वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर. नाउ वॉट, अब हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये वी नॉट साइन थीटा को वी नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन जी माइनस वन अपॉन टू जी इंटू वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी, जी का स्क्वायर हो गया. एक जी से ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट जो है ये इक्वल हो जाएगी टू वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. यहाँ पर देखो बच्चों, चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा. एलसीएम इसका क्या होगा, टू जी. जी कितने था, टू जी. जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू जी से तो हमारे पास आ जाएगा टू जी. और ये जो टू है, अब इसको हम ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर क्या है हमारे पास, वी नॉट साइन थीटा माइनस टू जी वन ज टू जी मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला नंबर वाई वी नॉट साइन थीटा. नाउ टू वी नॉट साइन थीटा में से वन वी नॉट साइन थीटा माइनस कर लेंगे तो हमारे पास हाइट इक्वल आ जाएगी टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन टू जी. अच्छा, यहाँ पर ये सब क्या थे, ये स्क्वायर थे, वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर और वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर. सो हाइट जो है ये इक्वल हो जाएगी टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, या हम कह सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी. सो इफ यू नो द इनिशियल वेलोसिटी एंड इफ यू नो द एंगल, आप आराम से हाइट, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल.
नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्योंकि प्रोजेक्टाइल अब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारे पास वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी जो एक्स डायरेक्शन में हुई है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वी इज इक्वल टू वी एक्स, और ये इक्वल होगी टू वी नॉट एक्स इनिशियल वेलोसिटी के। और चूंकि एक्स डायरेक्शन की बात है तो वी एक्स जो है ये इक्वल होता है टू वी नॉट कॉस थीटा। टाइम इज इक्वल टू टी डैश, टी डैश क्यों, वो टाइम पूरा हमें चाहिए होगा आधा ऊपर जाने में और आधा नीचे आने में, जो टाइम लगा वो पूरा टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को अपने हॉरिजॉन्टल मोशन को कंप्लीट करने के लिए। सो टाइम इज इक्वल टू टी डैश, टी डैश किसके इक्वल था, टू इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। डिस्टेंस जिसने कवर किया वो हमारे पास होगी इसकी रेंज। यूजिंग द इक्वेशन रेंज जो है या डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इनटू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। रेंज कैलकुलेट करने के लिए वी नॉट कॉस थीटा इनटू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये मैंने वैल्यू लगाई टाइम की और ये मैंने वैल्यू लगाया वी एक्स की। यहीं पर आगे सॉल्व करते हैं। सो रेंज विल बी इक्वल टू वी नॉट, और वी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लगा देते हैं जी। बच्चों टू साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है टू साइन टू थीटा के। सो इस वाली पूरी वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। ये वो फॉर्मूला है जिसे हम रेंज कैलकुलेट कर। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होगी कि जितनी वेलोसिटी से हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है ये उस वेलोसिटी से जाके ज़मीन पे हिट करे और कोई दूसरा फैक्टर इसको इफेक्ट ना करे। रेंज इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगी, जब ये फॉर्मूला हमें क्या बनाता है कि हमारे पास जो ये है साइन टू थीटा, इसकी वैल्यू साइन टू थीटा की वैल्यू जब वन के इक्वल होगी तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम होगी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो एंगल बनना चाहिए यहाँ पर वो कितने डिग्री का होना चाहिए। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू वन कब होगी, जब साइन थीटा जो है वो बनेगा 90 डिग्री का। सो इसके साथ हमारे पास ये कितने डिग्री का एंगल बना है कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 90 आए। हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूले में है साइन टू थीटा, यानी साइन को अगर हम 45 टू को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 90 के, एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो 45 डिग्री का एंगल, थीटा जब 45 डिग्री का होगा ये वो वैल्यू होगी जिसपे जो प्रोजेक्टाइल है वो अपनी मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। सो आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट टू साइन टू थीटा, और थीटा जब बनेगा ऑफ 45 डिग्री तब हमारे पास जो रेंज होगी दैट विल बी मैक्सिमम, या हम लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन टू थीटा को हमने इक्वल कर दिया टू वन। सो 45 डिग्री का एंगल वो एंगल होता है जिस पे प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम रेंज शो करेगा।